अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम मुशर्रफ अली फारूकी है और मैं ममनून हूँ हस्तनीस का, उन्होंने इस लेक्चर सीरीज़ को होस्ट करने की जिम्मेदारी दी। ये लेक्चर सीरीज़ उर्दू किस्सों पर है और फिल वक्त ये सीरीज़ उन 6 किस्सों पर है जो पब्लिशिंग हाउस किताब ने गेट्स फार्मा लाइब्रेरी ऑफ उर्दू क्लासिक्स या गेट्स फार्मा लाइब्रेरी उर्दू क्लासिकी अदब के सिलसिले में शाये की है। गेट्स फार्मा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिन्होंने एजुकेशन और कल्चर की प्रमोशन के लिए काम किया है, इसकी प्रजर्वेशन के लिए और प्रोपगेशन के लिए। तो इसमें दो तीन चीज़ें इब्तदाई हैं बिल्कुल, वो ये हैं कि किस्सों की जो रिवायत है या किस्सों की जो सिन्फ है वो हमारे यहाँ बहुत अरसे से है और उस पर हम थोड़ा सा सोचेंगे कि कहानियों की रिवायत, जारी बात है हर सेटल्ड सोसाइटी में कहानियों की रिवायत होती है, इवन अनसेटल्ड सोसाइटीज़ में खाना बदोश में भी इनके यहाँ भी रिवायत होती है। तो इस रिवायत की थोड़ी सी एक मुख्तसर सी नज़र, और जहाँ तक मैं उसको समझता हूँ ये जो मेरा उससे इंट्रोडक्शन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और किस्सों का हम हमेशा बच्चों से कहते हैं कि भाई कहानी में कोई बच्चों को सबक दें इस कहानी में, तो ये चीज़ कहाँ से आई है और किस्सों में इसका क्या रोल है, और उसके बाद फिर वो कहानी है जो इस सीरीज़ का या इन किस्सों में बयान की गई हैं उनका जिक्र होगा। तो आज का जो किस्सा है इसका नाम है किस्सा मकबूल जफ़ा। ये किस्सा है अगर आपको इसमें करेक्ट इसका नज़र आ रहा हो, और अंग्रेज़ी में ये द विक्टिम ऑफ मैलिस के नाम से तर्जुमा किया है, मैंने इसका तर्जुमा किया है, तो ये द विक्टिम ऑफ मैलिस है, दोनों इसी सीरीज में शाये हुए हैं। इस पे किस्से मकतूल जफा पर आने से पहले थोड़ा सा किस्सों के बारे में, जैसे मैंने अर्ज किया आपसे, तो अगर हम उर्दू को देखें तो उर्दू में मसनवी की रिवायत बहुत पुरानी है और मसनवी में भी किस्से बयान होते थे। तो मसलन एक किस्सा है किस्सा सिपाही ज़ादा, उसको मसनवी सिपाही ज़ादा नहीं कहा जाता लेकिन किस्सा सिपाही ज़्यादा कहा जाता है, और वो बाकायदा एक बहुत ही मजाहिया किस्सा है जिसको हम आगे कुछ क्लासों में देखेंगे, और वो मसनवी की शक्ल में है। तो मसनवी की शक्ल में किस्से हैं, किस्से नसरी किस्से हैं, और मज़े की बात यह है कि सिर्फ कहानियों तक ही किस्से की सिर्फ महदूद नहीं है, बल्कि ये अगर आप देखिए उठाकर, तो अगर कोई सफ़रनामा हज है तो वो भी किस्से की शक्ल में बयान किया गया है और उसमें लिखा गया है कि भाई ये किस्सा है। उसके साथ साथ जो बहुत सारे फोक लेजेंड्स हैं वो तो ज़ाहिर बात है किस्से की ज़मन में आते हैं, लेकिन आपको वो किस्से भी मिलेंगे जो किसी को किसी के इलाज के लिए लिखे गए हैं। वो हम देखेंगे कि ऐसे किस्से भी मौजूद हैं जिनका मकसद ये है कि जो बीमार है वो सेहतयाब हो जाए, और इसके अलावा अगर कोई जंग का बयान है तो वो जंगनामे की सूरत में, किस्से की सूरत में उसको बयान किया गया है। तो मेरा ये है एक तरह से इसका मेरा व्यू कि हमारे यहाँ स्टोरी टेलिंग की रिवायत इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जब भी हमको कोई चीज़ बयान करनी होती थी उसको हम कोडिफाई करने हमेशा कहानियों का सहारा लेते थे या किस्सों का, किस्सों की फॉर्म में हम बयान करते थे, और उसको हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह इस इन किस्सों के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आती गईं, कहीं पर कुछ मज़हबी रिवायात आ गईं, कहीं पर कुछ आमियाना रिवायत आ गई, कहीं पे आपके मिथ और लेजेंड्स आ गए, और ऐसे किस्से हैं जिसमें सब चीज़ें यकजा हैं, हर तरह की चीज़ उसके अंदर मिलकर एक किस्सा बनाया गया है। तो
ये किस्सा जो है, किस्सा मकतूल जफा, इसके लिखने वाले मोहम्मद अमीरुद्दीन मानी साहब थे, और उन्होंने शुरू में ही इसका बिल्कुल बयान किया कि किस तरह उन्होंने किस्सा लिखा। उनके वालिद बूढ़े हो चुके थे, और उनके वालिद से किसी ने फरमाइश की, किसी उनके जानने वाले ने, कि आपने मुझे फलाना किस्सा एक जमाने में सुनाया था और वो आप मुझे लिख के भेज दीजिए, क्योंकि मुझे, मैं उसको दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। उनके वालिद साहिब फराश थे, वो उस वक्त नहीं लिख सके। उन्होंने अमीरुद्दीन मानी साहब से कहा कि आप इसको लिख दें, मैं डिक्टेट कराता हूँ, आप लिखते जाएं। अच्छा, इसकी जुबान जो है किस्से की, वो बहुत ज्यादा लिटरेरी है, और अमीरुद्दीन मानी साहब शुरू में ही बयान कर रहे हैं कि मुझे तो लिखना भी नहीं आता, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता, मैं तो बिल्कुल एक तरह से नाखानदा हूँ। तो इस पर वाकफ अली शाही साहब उर्दू के स्कॉलर हैं, उन्होंने लिखा कि शायद ये किस्सा अमीरुद्दीन मानी साहब ने महज अपने तौर पर टूटा फूटा लिख लिया हो, और उसके उसमें जो अदबी रंग है वो उनके उस्ताद थे, उनके मीर सैयद अमजद अली खां कल्ख लखनवी अमीरुद्दीन मानी साहब के साथ थे, शायरी शायरी में इनको सलाह देते थे। और उन्होंने, उनका बयान ये है रफाकत अली शाही साहब का, कि ये मीर सैयद अमजद अली साहब का कारनामा है अदबी, कि ये इन्होंने उसको इस अदबी जुबान में लिखा है, क्योंकि अमीरुद्दीन मानी साहब कह रहे हैं कि मुझे तो लिखना पढ़ना नहीं आता। लेकिन इसमें एक मसला ये है जो मुझे नजर आता है, कि हमारे यहाँ जितने भी हमारे लिखने वाले थे, वो हमेशा बहुत इनकसार से काम लेते, और उनमें कभी ये नहीं होता था कि बहुत फूफा है या मजबूत सब आता है और ये है वो है, वो हमेशा अपने आप को खाके रहा और बिल्कुल इस तरह अपने आप को बयान करते थे। तो ऐन मुमकिन है कि ये अमीरुद्दीन मानी साहब का ही हो, इस पर हो सकता है अमजदी साहब ने उनको कोई कहीं फैसला की हो, क्योंकि अगर उनके वालिद को पता था कि भाई मेरे बेटे को तो कुछ लिखने पढ़ने नहीं आता, तो क्यों उनसे कहते कि तुम बैठ के लिखो, किसी और को बुलवा के लिखवा दीजिए। तो बहरहाल ये चीजें हैं, ये इस किस्से का बैकग्राउंड है, और ये हमको अब नहीं कह सकते कि ये असल में किसने लिखा है या शुरू कहाँ से हुआ किस्सा, लेकिन ये इसकी जो कहने वाले हैं, जो बयान करने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं, उनका एक मुख्तसर तारुफ है। अच्छा जनाब, तो किस्सा यूं शुरू होता है, मैं थोड़ा सा इसमें से आपको पढ़कर बताता हूँ, कि एक बादशाह साहब थे, और जिस तरह अमूमन होता है कि बहुत खुशहाल और पूरी दुनिया इत्मीनान से रह रही है, सब कुछ है, और एक दिन वो अपनी उनके अपने दरबार में होते हैं, तो वो अपने वजीरों से सवाल पूछते हैं। उनके चार वजीर होते हैं, पहले तीन जो होते हैं वो निस्बतन कम अहम होते हैं, चौथा वजीर उनको बहुत अजीज होता है बादशाह को। तो एक रोज बादशाह ने दरबार में वजीरों से मुखातिब होकर ये सवाल किया कि तुमने कोई औरत ऐसी देखी है जिसमें ये चार वस्फ हो, शकीला और जमीला ऐसी हो कि अपना सानी ना रखती हो, यानी बहुत खूबसूरत हो, और इल्म मौसीकी में ऐसा कमाल रखती हो कि कोई दूसरा उसके मुकाबिल जहां में ना हो, और इल्म दीनी में काबिल हो, यानी फाजिल, बल्कि अपने वक्त की अल्लामा हो, और साहिब असमत ऐसी हो कि किसी ने उसकी परछाई ना देखी हो और ना आवाज उसकी किसी ने सुनी हो। ये बात बादशाह की सुनकर वजीर अव्वल ने बस्ता अर्ज की के जहां पना ऐसी औरत दीद है ना शनीद, हमने तो किया किसी ने भी ऐसी औरत ना देखी ना सुनी होगी कि फर्दे वाहिद में ये चारों सिफतें हों, किसी में एक सिफत होगी और किसी में दो और किसी में तीन और किसी में एक भी ना होगी, अगर कोई खूबसूरती में यकता होगी तो उसमें फने मौसीकी ना होगा, और अगर ये दोनों वस्फ हुए तो असमत ना होगी, और अगर साहिब असमत होगी तो उसे गाने बजाने से क्या निस्बत है, और आलिम और फाजिल रागो मजामीर को कब दुरुस्त रखते हैं, क्योंकि शरे शरीफ में रागो मजामीर कतई हराम है। जनाब अली, ये चारों बातें जो हुजूर ने फरमाई हैं इज्तमाए नकी जैन है, उनका एक जगह मुश्तमा होना गैर मुमकिन है। इज्तमाए नकी जैन यानी यूजुअली कॉन्ट्रडिक्टरी, कलेक्शन ऑफ इनकम्पेटिबल आइटम्स। फिर बादशाह आली जाने वजीर दोम से ये सवाल किया, चुनाचे वजीर दोम ने भी बा मौजिब वजीर अव्वल के
हुजूर अकबर ने यही इल्तमास किया, बल्कि वजीर अव्वल से कुछ ज्यादा इसरार किया। फिर जिल्ले सुबहानी वजीर सोम की तरफ मुखातिब हुए और यही कलमा इरशाद फरमाया कि तुमने कोई औरत ऐसी देखी सुनी हो तो अर्ज करो। वजीर सोम ने अर्ज की कि जहां पना वजीर अव्वल और वजीर दोम ने जो सरकार आली में इल्तमास किया है रास्त है, जरा झूठ नहीं है। फी जमानना क्या, बल्कि मुतकदमीन ने भी ऐसी औरत नहीं देखी सुनी होगी। गर्स के हर एक ने एक के कलाम को रौनक को जिला दी और बहुत सी दलीलें रूबरू बादशाह के पेश की ताकि ये बात बादशाह के दिल से जाती रहे। लेकिन उसके दिल से कब जाती है? बाद इस गुफ्तगू के हजरत आली वजीर चहारम की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाने लगे कि तुम कहो इस बाब में क्या कहते हो, अगर तुमने ऐसी औरत देखी या सुनी हो तो जल्द बयान करो। वजीर चहारम सुनकर खामोश सरदर ग्रेबा आंखें नीची करके बैठा रहा, कुछ जवाब बादशाह के सवाल का ना दिया। बादशाह उसके जवाब न देने से आजरदा हुए और फरमाया कि तूने कुछ जवाब हमारी बात का ना दिया और चुप हो रहा, जल्द जवाब सवाब दे। वजीर चहारम ने बादशाह की खफगी से डरकर पाए तख्त को बोसा दिया और बाद दुआ और सना के यूं बोया हुआ कि ए गर्दू बारगाह क्या अर्ज करूं, खामोशी बाई से शर्म हया की थी, उम्मीदवार उफ कम। बादशाह ने कहा कि बस इबारत हो चुकी, मतलब क्या है? वजीर हाथ बांधकर अर्ज करने लगा कि खुदा बंदे नेमा सुनिए, अल्लाह ताला ने एक से एक को फौक दिया है, वो जो चाहे सो करे, उसके नजदीक कुछ मुश्किल नहीं कि फर्द वाहिद में चारों सिफतें हों। आप तो बशर में फरमाते हैं, वो चाहे तो हैवान मतलब को हमा सिफत मौसूफ कर। तो अब वजीर चहारम जो है वो मुसलसल बादशाह को आगे पीछे घुमाते रह रहे। बादशाह उससे बहुत बेजार हो जाता, कहता है कि मुझे ये सारी बातें छोड़ो और सीधा सीधा जवाब दो कि है या नहीं ऐसी औरत कोई दुनिया में। तो अब वजीर चहारम फरमाता है, कहता है कि हुजूर वाला ने जो ये चारों बातें फरमाई हैं अक्सर मस्तूरातों में सुनने में आई हैं, चुनाचे इस खानाजादे मौरूसी की जो बीवी है अल्लाह ताला ने उसकी जात में चारों वस्फ अता फरमाए। ये बयान करके खामोश हो रहा, लेकिन बादशाह ने फिर उससे कहा कि भाई इसको तफसील से तुम बयान करो, ये तुम क्या कह रहे हो, इससे हम मजीद तफसील जानना चाहते हैं। तो वो कहता है कि पीर मुर्शद वो कनीज खानाजाद सूरत में तो ऐसी हसीन और जहरा जबीन है और वो हुस्ने खुदादाद है उसका कि उसका हम तक किस्में जिनो बशर पैदा नहीं, हूर परी उसके मुकाबले हो तो सकता हो, रोब हुस्न से मुंह से बात ना निकले, शशदर और हैरान होकर उसी के मुंह को तकती रहें, बदरे कामिल उससे शर्मिंदा है, आसमान का तारा या चौदहवीं रात का चांद है, बल्कि उसके चेहरे की चमक के आगे आगे वो भी मांद है, मेरी जुबान में ताकत और दहान में तलाकत ऐसी नहीं जो शुमा खूबी शक्लो शमायल उस माह पैकर सरासर नूर अनवर की बयान कर सको। बशर तो क्या है बावजूद के फलक ऐनक महरुमा की शब रोज लगाए चक्कर करता फिरता है, उसने भी तो ऐसी सूरत दिलचस्प ना देखी होगी। अब फिर वो मजीद उसकी तफसील बयान करता है कि इल्मियत का ये हाल है, अदनासी सिफत फजीलत की बयान होती है कि जो जमाने में बड़े बड़े आलिम और फाजिल हैं उनकी ये मजाल नहीं जो किसी इल्म में उससे बहस कर सके। एक सवाल में सबका नातका बंद होता है, तमाम किताबें मंतक व नहव व सर्फ वगैरह अजबर याद हैं, मावरा इन इल्मों के तिबो नजूम व रियाजी व सियाक व कुरान शरीफ मा हक किरत खूब याद है, गर्ज हर इल्म में उस्ताद है। और असमत इफ़त का ये हाल है कि अय्याम तफ़ूलियत में मेरे साथ अख्द हुआ था, उस दिन से आज तक अपने वालदैन के घर नहीं गई, और जो उसके भाई हकीकी मेरे यहाँ आए तो उसने उनसे भी पर्दा किया, सामने नहीं हुई सिवाय अतात और खुशनूदी मेरी के कुछ उसको काम नहीं। और इल्म मौसीकी का क्या हाल बयान करूँ, जरा सी सिफत यह है कि अगर उसके सामने तानसेन भी होते और आवाज़ गाने की सुनते तो अपनी तान भूल जाते, कान पकड़ते, और जो बेजू बावरा होता तो वो भी उसकी आवाज़ गाने बजाने की सुनकर बावला हो जाता, कभी गाने का नाम न लेता। कहाँ तक तारीफ करूँ, हमा सिफत मौसूफ है, खुसूसन जो हुजूर अकदस ने ये चारों बातें तख़सीस की हैं उनमें ऐसी यकताए ज़माना है बल्कि अपने वक्त की हरफन में यगाना है। ये कहकर वजीर नेक तदबीर चुप हो रहा
और बादशाह भी वजीर चहारम का जवाब बासवाब माकूल सुनकर खामोश हुआ। लेकिन वजीर अव्वल बड़ा हासिद था और वजीर चहारम से बसबब दानाई उसके बोस व दावत कलबी रखता था। ये गुफ्तगू जो बादशाह के सामने वजीर चहारम से सुनी और भी जल गया और कमाल नाराज होकर अपने जी में हसद की राह से कहने लगा कि देख तो इसका बदला मैं तुझसे कैसे लेता हूँ, तूने हम सबको बादशाह के रूबरू जलील तो किया है, समझा जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये बात अपने दिल में ठहरा, चुप होकर वक्त का मुंतजर रहा। तो ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जहां से कहानी शुरू होती है। बादशाह पूछता है, उसको जवाब मिल जाता है, लेकिन जो पहले तीन वजीर हैं उनको वो अपने आप को समझते हैं कि इसने हमको नीचे दिखाने के लिए ऐसी बात की है या एक झूठ बोला है, और अब वो उसके पीछे हैं कि इसको किसी तरीके से जलील किया जाए। तो वजीर साहब जो हैं बादशाह को एक दिन बरगलाते हैं कि देखिए उसने जो बात की ऐसी ऐसी बात मुमकिन नहीं है, ऐसी ऐसा कोई शख्स नहीं हो सकता दुनिया में, तो आप मुझे मोहलत दीजिए और मैं जाकर उसकी बीवी को बरगलाता हूँ और उसका मैं आपके पास सबूत लाता हूँ, और अगर ना सबूत ला सकूँ तो फिर आप मुझे बताइएगा। तो बादशाह उसको कहता है कि नहीं, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये वजीर उसके मुसलसल पीछे पड़ा हुआ है। और एक मरतबा फिर बादशाह से कहता है, फिर बादशाह बहुत आजिज आके उससे कहता है कि अच्छा अगर तुम सबूत नहीं ला सके तो अगर तुम सबूत लाओगे तो क्या, तो उससे कहता है कि ये चौथा वजीर जो इसका आप सर कलम करें अगर इसको मैं झूठा साबित कर सकूँ। और बादशाह कहता है अगर तुम झूठा नहीं साबित कर सकते तो क्या होगा, तो कहता है कि आप फिर मुझे मार दीजिए। तो बादशाह कहता है ठीक है, तुमको मोहलत है और तुम जाओ। तो वजीर साहब आप पहुंचते हैं उस शहर में जहाँ पे वजीर अव्वल का मकान था, उसकी बीवी वहां पे रहती थी, और पहुंचकर ये अपना जाल फैलाते हैं नेटवर्क कि किसी तरीके से उसका अता पता किया जाए और उससे मुलाकात की सूरत पैदा की जाए। तो कुटनियों को बुलवाते हैं, कुटनी है एक स्टैंडर्ड हमारा फीचर है किस्सों और दास्तानों का, और उसमें ये आकर मुख्तलिफ काम अंजाम देती हैं। तो इसमें जो कुटनी को वजीर साहब बुलाते हैं वो आकर कहती है कि क्या तुम चाहते हो, तो कहता है कि मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ और वो तुम उसको उसका इंतज़ाम करो। तो कहती है कि तुमने कोई उससे कुछ बात सुनी है क्या, पहले तुम्हारा कोई ताल्लुक था क्या था, ये कहता नहीं कुछ नहीं, मैंने सिर्फ उसकी ये खूबियाँ सुनी है और मैं उसको इस तरीके से बदनाम करना चाहता हूँ। तो कुटनी कहती है बहुत ही बेवकूफ़ आदमी है, और लेकिन बहरहाल उसको पैसे मिल रहे होते हैं। तो वो कुटनी कहती है कि मैं ही आपका काम करवा दूंगी, कोई इसके अंदर मसला नहीं है, मेरा तो काम ही है इस तरह की मंसूबे बनाना और उनको पाए तकनीक तक पहुंचाना। तो अब वो कुटनी जाती है वजीर की बीवी के घर, लेकिन उसको पता चलता है कि वो तो घर में दाखिले की तो क्या, उसके तो पास से भी नहीं गुजर सकती, वहां पे बहुत जबरदस्त पहरा है, और ना वो औरत कभी वजीर की बीवी बाहर आती है और ना कहीं उससे कोई मिलने जा सकता है, और ये एक तरह बिल्कुल बहुत ही एक सिक्योर हाउस के अंदर रहती है। तो बहुत ही तगड़ा करती है, फिर उसको एक तरकीब सोचती है कि एक न्याज की मिठाई लेके पहुंचती है और कहती है कि मैंने बीबी को ख्वाब में देखा कि उनके तवस्सुस से मेरा बेटा जो खोया हुआ था मिल गया, तो ये मैं उनको नज़र के लिए कुछ चीज़ें लाई हूँ। तो कुछ फूल वगैरह ये चीज़ें रख के वहाँ पे चली जाती है। उसकी बीवी की एक मुलाजमा है जो इन चीज़ों में नज़र रखती है कि कोई गैर मुनासिब लोग वहां पर तक एक्सेस नहीं हो उस घर तक। तो वो बाहर आके देखती है और समझ जाती है कि ये जरूर किसी कुटनी की कार्रवाई है, और वो अपने सिपाहियों को कहती है जो उस मकान पर पहरा दे रहे होते हैं कि अब जब ये औरत आए तो तुम इसको गिरफ्तार कर लेना। तो अगले रोज आती है कुटनी और फिर मुलाकात चाहती, तो वो वजीर उसको सिपाही उसको पकड़ लेते हैं और कैद कर देते हैं, और फिर वो बड़ी तंबी के बाद उसको छोड़ा जाता है कि तुम जाओ और आइंदा कभी यहाँ का रुख नहीं करना।
कुटनी जाती है उसके वजीर के पास, वजीर अव्वल के पास, और कहती है कि ये जैसी आपने सुनी थी उसकी तारीफ, वो वैसी ही है बिल्कुल, और उससे कोई आपका मिलना आसान काम नहीं है। और तो अब ये कहता है कि नहीं, कुछ कुछ करो। तो कहती है कि मुलाकात तो नहीं करा सकती मैं आपकी, लेकिन मैं किसी तरीके से कोई निशानी है उसके पास से आपकी ले आती हूँ, तो आपके पास एक सबूत हो जाएगा कि भाई उसकी निशानी है जो मुझे मिल गई है। और ये वजीर साहब जो है कहते हैं चलो, इसी पे राजी हो जाते हैं कि चलो इतना भी काफी होगा। अब ये कुटनी पूरे जाल फैलाती है और उसके घर बहुत ही एक अय्यारी मंसूबा है। तो पूरी कहानी में आपको उसका सुनने का, आपको या पढ़ने का खुद लुत्फ आएगा, लेकिन बहरहाल वो उस तक एक्सेस हासिल कर लेती है उसकी बीवी तक, उसकी माँ की, उसके माँ का भेष बदल कर। और चूंकि वो लड़की बहुत अरसे से अपने घर से गई भी होती है और अपने घर वालों से नहीं मिली होती है, और कुटनी भेष बदलने के फन में बहुत माहिर है, वो उसे धोखा खा जाती है और उसको अपने घर में बुला लेती है। और वहां से कुटनी बहुत अय्यारी से उसकी निशानी लेकर वजीर अव्वल तक पहुंचाती है, और ये वजीर अव्वल जो है उसको लेकर पहुंचते हैं उसके पास, अपना बादशाह के पास, और कहते हैं कि देखिए ये मैंने सबूत हासिल कर लिए। तो अब बादशाह को लगता है कि भाई चौथे वजीर ने मुझसे झूठ बोला था, और बादशाह के सामने झूठ बोला था, तो उसको सजा बहुत ही सख्त मिलनी चाहिए। तो वो उसको फौरी तौर पर गिरफ्तारी का हुक्म दे देता है, और जब उसको गिरफ्तार करता है तो कहता है कि मेरा क्या कसूर है, तो उसको दिखाता है कि ये तुम्हारी बीवी की चीजें हैं या नहीं। तो उससे वजीर समझ जाता है कि तो वाकई उसकी बीवी की चीजें थी, और वो फिर उसको बताते हैं कि ये तुम्हारी बीवी, पहले वजीर ने ये निशानी लाके दी है, इसका मतलब है कि तुम्हारी बीवी वो खूबी नहीं है जो तुम बता रहे थे, और इसको अब तुम्हारा ये तुम्हारी सजा है कि तुमको कत्ल किया जाए। वो कहता है कि मुझे एक बार उसको देखने का मौका दिया जाए, और उसके बाद आप मुझे सजा दे दीजिएगा। तो बादशाह समझ जाता है कि शायद ये उसको जाकर कत्ल करना चाह रहा है अपनी बीवी को, तो वो एक सिपाहियों को जिनके साथ उसको भेजता है, उन्हें कह देता है कि ये इसको बीवी से तो मिलने दो, लेकिन इसको हार्म नहीं होने देना उसकी बीवी को, और इसको तुम इस पे नजर रखना। तो ये अब वजीर साहब जाते हैं और उसको तलाक देकर, एक तलाक बयान जिसको कहते हैं रिवोकेबल डिवोर्स, वो देकर उसे चले आते हैं, और कुछ कर नहीं सकते उसके अलावा। अब किस्सा यहाँ पर आकर, अभी तक तो हम एक कहानी सुन रहे थे, लेकिन अब किस्सा आगे रुक जाता है और इसमें एक सबक हमको पेश करता है जो भी उसका नैरेटर है। और वो कहता है कि किस्सा यहाँ पर, वो उसको वजीर को लाया जाता है एक छकड़े के ऊपर बिठाकर, और उसके कत्ल का हुक्म होता है। तो किस्सा कहते यहाँ पे रुक कर, ये एक तरह का असाइड या जो सबक उसका बयान हो रहा है, वो ये है कि ये दुनिया जाए इबरत है, इस वास्ते ये चंद वसीयत है कि ए अजीज देख खबरदार, हरगिज हरगिज तू ऐसा ना करना जिससे जिल्लत उठाए, बदनामी की सजा कुछ हाथ ना आए, खुदी को दिल से निकाल, गुरूर व नखवत से आपको संभाल, तकबुर से बच, बड़ा बोल मत बोल, बादशाह हकीकी के रूबरू इज्जो इंकसारी से सर झुका, किसी से किसी बात का दावा ना करना, ऐसा ना हो कि तू भी वजीर चारम की तरह अपने बादशाह हकीकी के सामने जलील और रुस्वा, नादिम और शर्मिंदा हो और कहीं ठिकाना ना रहे। अगर वो बादशाह के सामने अपनी जोजा की पारसाई का दावा ना करता तो क्यों ऐसी रुस्वाई का सजावार होता? दुनिया दम मारने की जगह नहीं, आठों पहर जनाबे बारी से डरता रहे और किसी से गर्ज मतलब ना रखे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर किस्सा खत्म नहीं हुआ अभी, आगे कहानी है इसमें, और वो उसको बयान करता है कि ये अगर तुमने बड़ा बोल वहां पे नहीं बोला होता, और बेसिकली एक तरह का डाइडेक्टिक इसमें एलिमेंट है, या आप इसको
इस्लाम में ये जो इस्लामी लिटरेचर में जो के इस्लामी मजहबी मानों में नहीं बल्कि जो इस्लामी तहजीब है उसमें जो अदब है उसमें एक एडवाइस लिटरेचर का एक कैटेगरी है, और ये किस्सा जो है उस एडवाइस लिटरेचर कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसके अंदर बताया गया कि देखो ये पूरा एक कहानी के जरिए आपको सबक दिया गया है कि इस तरह का बड़ा बोल कभी नहीं बोला करो जिससे कोई दूसरा तुमसे उसको हसद हो जाए और वो फिर तुम्हारे दुश्मन हो जाए और तुमको जलील करे और फिर जो भी उसमें शाखसाने होते हैं उसके वो हों। तो यहाँ पे ये किस्सा यहाँ पे आगे कहता है, लेकिन अब कहानी उसकी बीवी की शुरू होती है जो बहुत ही एक प्रोटेक्टेड उसकी जिंदगी गुजरी है और कभी उसने ना किसी से मिली है ना कुछ, लेकिन उसमें बहरहाल वो खूबियां सारी हैं जो वजीर ने बताई हैं, बमाए उस मौसीकी और सब चीजों के। तो उसको कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या सारा हुआ है, अचानक उसका शौहर आता है उसको ये करके चला जाता है, तो वो अपने एक लेपालक बेटा होता है उसको भेजती है वजीरे चहरुम के पास, जहां पर वो छकड़े पर बैठा हुआ है और उसको कत्ल करने के लिए वापस शहर भेजा जा रहा है कि हुआ क्या और तुम बजाओ ये बताओ कि तुमने मेरी माँ को क्यों इस तरह कर तलाक दी और कैसे ऐसे किया। तो वो कहता है कि ये सब कुछ हुआ और ये वजह है। तो अब वो जब आकर वजीर की बीवी को बताता है कि उन्होंने ये कहा है, तो वो समझ जाती है कि जो औरत आई थी वो कुटनी थी और ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ, और अब वो इतनी शौक में है कि कहती है मेरी जिंदगी को कोई फायदा नहीं, मैं अपने तौर पे कुछ कार्रवाई करती हूँ, अपनी अपने अपनी नेकी का या अपनी बेकसूर होने का मैं इसको सबूत देती हूँ। तो वो वहां से रवाना होती है उन लोगों के साथ अपने साजिंदे लेकर जो उसके साथ म्यूजिक वगैरह की मशक करती थी वो खवातीन, और शहर में पहुंचती है और एक बाजार में जाकर अपना बिजनेस शुरू करती है जहां पर उसका गाना सुनने के लिए लोग आना शुरू हो जाते हैं और बहुत उसका शोर हो जाता है, बादशाह तक भी इत्तला पहुंचती है। तो वो भेजता है कि, और ये बहुत स्पीड से सफर करती है, वजीर साहब तो छकड़े पर बिठाकर उनको भेजा गया है, स्लो स्लो आ रहे हैं, ये बहुत तेज रफ्तारी से शहर पहुंचकर ये सारी चीजें अमल में लाती है। बादशाह तक जब उस औरत का शोर पहुंचता है कि एक बहुत ही बाकमाल गाने वाली शहर में आई है, तो उससे कहता है कि आप तशरीफ लाइए हमारे दरबार में आकर कुछ हमको सुनाइए। तो कहती है कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी सफर से आई हूँ और मैं पहुंचूंगी वहां पे। लेकिन वो अभी यूं नहीं जाना चाह रही बादशाह के पास के वजीर अभी तक शहर में दाखिल नहीं हुआ, और जब उसको पता चल जाता है कि वजीर शहर में आ गया है, तो वो उस वक्त शहर में आकर बादशाह के दरबार में पहुंचती है और कहती है कि सब लोगों को बुलवा लीजिए जिनको गाना सुनना हो। तो बादशाह बुलवा लेता है, फिर वो कहती है कि मैंने सुना है आपका एक वजीर है जिसको आपने जो जेरे आताब है, मैं चाहती हूँ कि वो भी आज हो यहाँ पर। तो बादशाह कहता है चलो भाई उसको भी बुलवा लो। अब वो औरत गाना शुरू करती है और बादशाह उसका गाना सुनकर पागल हो जाता है क्योंकि बहुत ही कमाल का गाना गाती थी वो, उसका फन तो बहुत बहुत आला दर्जे की वो फनकार थी। तो बादशाह से कहता है कि क्या मांगती हो, ये अपने गले से माला उतार के देता है, वो कई उसको रिवॉर्ड्स ऑफर करता है, कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपके दर्शन करने आज यहाँ पर आई। तो बादशाह फिर वो गाना शुरू करती है, तो अब वो बादशाह बिल्कुल दीवानगी के आलम में पहुंच जाता है और कहता है कि कुछ बताओ, कुछ जो भी तुम आज कहोगी वो तुम्हारी बात मानी जाएगी, तुम बताओ। कह दिए कि मैं चाहती हूँ कि मुझ पर कुछ इल्जाम है और उनको मैं चैलेंज करना चाहती हूँ। और उसके बाद जिस तरीके से जो कि कहानी का हिस्सा है जो बहुत मजेदार अपने आप में एक कहानी है, किस तरह वो इल्जाम को कॉन्टेस्ट करती है, वो उन चीजों का कहती है कि ये पहले वजीर
के सामने ये चीजें लाई जाए। और इस तरह वो जिस तरह पहले वजीर ने उसको ट्रैप किया होता है, ये उसको ट्रैप करती है वो अपने सारे प्रूफ और चैलेंजेस के साथ। तो आखिर में इसका कहानी का क्या होता है अंजाम वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, कुछ आपके भी पढ़ने के लिए होना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत ही कमाल का किस्सा है जिस तरह से ये चलता है, और एक बिल्कुल इम्पॉसिबल क्वालिटीज किसी शख्स की बयान की जाती है कि ये सारी किसी में यकजा हो सकती है नहीं। और वो ऐसा शख्स निकल आता है, ऐसी औरत निकल आती है, और उसके बाद उस उसके ऊपर उसका जो आप अगर उसका जो बयान सुने कि भाई उस औरत को किस तरह से रखा गया है कि एक तरह बिल्कुल घर में रहती है, अपने कभी घर से बाहर नहीं गई, और फिर वो जाकर जिस तरीके से अपना थ्रू हर ओन एबिलिटीज क्वालिटीज उसकी जो फन है उससे वो सब चीज़ों को कॉन्टेस्ट करती है जो उसके ऊपर जिस तरह उसको ट्रैप किया गया है उसको रिवर्स कर देती है अपने दुश्मनों के ऊपर, वो बहुत रिमार्केबल है। और ये बिल्कुल ऐसा किस्सा है जो बहुत इंटरेस्टिंग नैरेटिव्स के अंदर हम इसको लिख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसको बहुत ज़्यादा उर्दू में पढ़ा नहीं गया, इस पर कुछ लिखा नहीं गया, और इसकी गालिबन 3 या 4 इशाते हुई 19वीं सदी के शुरू में। उसके बाद ये बिल्कुल गैर मारूफ रहा और इस पर किसी ने कुछ लिखा भी नहीं। लेकिन एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज है किस्से में, और वो किस्से में था कि इस वजीर की बीवी जो है उसका शहर जो है जहाँ पे वो पुटनी जाती है उसकी, सॉरी उसका आबाई शहर उसकी वजीर की बीवी का, वो सियालकोट है। तो चूंकि उर्दू क्लासिकी अदब में अक्सर मुख्तलिफ शहरों का जिक्र होता है, लेकिन कभी वो ईरान के होते हैं, कहीं दुनिया अरब के होते हैं, तो सियालकोट एक बहुत ही अजीब सा रेफरेंस था कि सियालकोट वाह दिस पर्टिकुलर सियालकोट रीजन। तो सियालकोट का एक जो मशहूर लेजेंड है वो राजा रसालू का है, और मैंने उसको देखा तो इसमें बिल्कुल इससे मिलती जुलती एक कहानी निकल आई जो कि राजा रसालू की अपनी है। राजा रसालू है पंजाब का एक लोक किरदार है जिसके पास कुछ उसको आप सुपर पावर कह लें या स्पेशल पावर्स हैं, और वो उसके साथ ऐसा वाकया होता है, यानी वो खुद जिस तरह जो कि वजीर अव्वल का रोल है इसमें एज अ विलेन, तो वो बादशाह उसका विलेन का भी रोल है और उसमें एक आर्बिटर का भी रोल है, और वो उसका भी कमोबेश उसमें यही चीजें हैं कि राजा सालू जो है उसने उसको कहा जाता है कि भाई अब तुम कोई वजीर कर लो, तो हरिचंद नाम के एक शख्स को अपना वजीर बना लेता है। और एक रोज एक दिन राजा रसालू ने अपने वजीर से पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल तारीफ कौन है, सॉरी मेहता चोपड़ा उसका वजीर था, और मेहता चोपड़ा ने अपने जी में ये सोचा कि दुनिया में काबिल तारीफ चीजें तो दो हैं, जवानी और ताकत, लेकिन अगर मैंने राजा को यही जवाब दिया तो वो मुझे हुक्म देगा कि उन्हें फौरन हाजिर करो, फिर मैं क्या करूंगा। ये सोचकर उसने उन चीजों को तो नजरअंदाज कर दिया और राजा के सामने अपनी बीवी रानी चांदनी की तारीफ शुरू कर दी, और वजीर बोला है दुनिया के मालिक मेरी बीवी रानी चांदनी के बराबर कोई चीज नहीं। राजा ने सोचा ये अपनी बीवी के सिवाय और किसी की तारीफ नहीं करता, मैं इसे क्या जवाब दे सकता हूँ, चुनाचे वो बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन एक महीने बाद राजा ने फिर वजीर मेहता चोपड़ा से पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल तारीफ चीज कौन सी है, उसने सोचा कि अब बता देगा ये कुछ और कोई चीज, तो वजीर ने फिर जवाब दिया कि मेरी बीवी रानी चांदनी से ज्यादा काबिल तारीफ चीज दुनिया में और कोई नहीं है। इस पर राजा ने अपने दिल में फैसला कर लिया कि मैं जरूर रानी चांदनी को देखूंगा ताकि उसके हुस्न का अंदाजा कर सकूं और उसके किरदार को परख सकूं। अब राजा जो है राजा रसालू वो मेहता चोपड़ा को भेजता है कहीं पे घोड़े लेने,
और उसकी गैर मौजूदगी में मेहता चोपड़ा के घर जाता है, रानी चांदी जहाँ पे होती है, और उसको धोखे से घर में दाखिल हो जाता है। और वो उसको पता चल जाता है कि ये एक नेक औरत है, लेकिन फिर भी वो अपनी वहां पर अंगूठी छोड़ाता है राजा। जब मेहता चोपड़ा वापस आता है और बिस्तर में लेटता है तो उसको वो अंगूठी मिलती है, और कहती है कहता है कि ये तो वो अंगूठी है जो मैं बादशाह को देकर गया था, और इसके अंदर इसका मतलब है कि बादशाह यहाँ पर आया था। तो अब मेहता चोपड़ा ने वो सारी रात गम में काटी। अगली सुबह उसने अपने ओहदे के तमाम कागजात लिए, उन्हें जाकर राजा के सामने रख दिया। राजा बोला, मैंने तो तुम्हें घोड़े लाने के लिए भेजा था और तुम ये कागजात ले आए हो, क्या बात क्या है? मेहता बोला, ऐ राजा, ना तुम ईमानदार हो ना रानी चांदनी पाकबाज है, क्योंकि मेहता चोपड़ा तो यही समझता है कि उसकी बीवी ने कोई गलत काम किया है उसकी गैर मौजूदगी में। तो मेहता बोला, ऐ राजा, ना तुम ईमानदार हो ना रानी चांदनी पाकबाज है, और ना मैं तुम्हारा वजीर हूँ, यानी वो अपने आप दस्तबरदार हो रहा है वजारत से। राजा बोला, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? तब मेहता ने वो अंगूठी जेब से निकाली और उसे राजा के सामने रख दिया। राजा बोला, पाकबाजी और नेकी को बातों से मिटाया नहीं जा सकता। मगर वजीर मुतमईन ना हुआ। राजा ने उसे पिटवाया और फिर पूछा, अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन आया या नहीं? वजीर बोला, अगर रानी चांदनी सूत का एक धागा काटे और उससे कच्चा घड़ा बांधकर तुम दोनों कुएं से पानी निकाल लो, तब मैं तुम्हारी बात का यकीन कर दूंगा। तो वो मेहता चोपड़ा जो है अब बादशाह को एक चैलेंज दे रहा है कि अगर तुमको अपनी और मेरी बीवी की पाकबाजी प्रूव करनी है तो तुम ये काम करो, जो कि नामुमकिन है कि सूत के धागे से आप कच्चे घड़े को लटकाएं और उससे आप पानी निकाल लें, या तो धागा टूट जाएगा या घड़ा नहीं रहेगा क्योंकि कच्चा है वो पानी में जाकर। तो दो मिरेकल्स होने चाहिए जिसकी वजह से जिसके बाद उनकी इनोसेंस एस्टेब्लिश हो सके। तो राजा ने रानी चांदनी को बुलाया, राजा रसालू ने राजा रानी चांदनी को बुलाया, उसने सूत का एक धागा काटा, उससे उन दोनों ने एक कच्चा घड़ा बांधा और कुएं से पानी निकाला। तब मेहता चोपड़ा को यकीन आया। राजा ने उससे पूछा, तुम पहले क्यों नहीं मानते थे? वजीर ने जवाब दिया, इसलिए कि औरतों के मामले में मर्द जरूर हसद करने लगते हैं। उस पर राजा ने सिर्फ दो तीन बेद मारे। राजा साहब और वजीर साहब का बस यही होता है कि वो बेचारे पिटते रहते हैं। उस पर राजा ने सिर्फ दो तीन बेद मारे और कहा, क्या तुम्हें भरे बार दरबार में अपनी बीवी की तारीफ करते हुए शर्म महसूस ना हो? उसके बाद राजा रसालू ने तख्त छोड़ दिया और राजा सरकप के पास शहर की तरफ रवाना हुआ। तो यहाँ पे भी वही एक तरह का जो उसके अंदर लेसन बयान किया गया है कि बड़ा बोल नहीं बोलो, और यहाँ पे उसका थोड़ा सा मुख्तलिफ रूप के अंदर, लेकिन राजा उसको कह रहा है कि तुमको हयानी चाहिए थी अपनी बीवी की इस तरह तारीफ करते हुए किसी गैर मर्द के सामने, मेरे सामने। तो ये अब आप देखिए कि ये, और ये जो है इसकी मैं आपको रेफरेंस दे दूँ, ये हिकायत है पंजाब आरसी टेम्पल, और मियां अब्दुल रशीद साहब ने इसका तर्जुमा किया है, मजलिस तरफ के अदब ने छापी थी किताब, पहली जिल्द के अंदर ये इसका वाक्य है कि एक लोकल लेजेंड है, उसको अडॉप्ट किया गया है और उसको एक दूसरा रंग दिया गया, उसकी कहानी बिल्कुल एक दूसरे रुख में चली गई है, लेकिन इस कहानी के अंदर भी उसका वही एक तरह से वही उसके एलिमेंट्स हैं जो उसके अंदर आगे पीछे हो रहे हैं कि भाई ऐसा कोई बड़ा बोल नहीं बोलो, या ऐसी कोई बात नहीं करो जो बेहयाई की हो, जो दूसरा उसको सुनकर कोई ऐसा काम कर सके जो बात पर नुकसान दे हो। तो दोनों एक ही कहानी को दो मुख्तलिफ हिदायतों के जरिए इस खित्ते में बयान किया गया, और ये इसका लेकिन इसमें ये एक जरूर है कि इस कहानी का जिस तरह से इख्तिताम होता है राजा रसालू वाली, वो किस्से मुक्तुल जफा का वैसा नहीं है, वो उसका मुख्तलिफ है। तो आप पढ़िएगा तो आपको उसमें मजा आएगा। तो अब मैं
चाहूंगा कि अगर आपके कोई सवाल हो या कोई आप कुछ पूछना चाहें तो आई विल बी हैप्पी टू उसको जवाब देकर खुशी होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं जब ये मैंने किस्सा पढ़ा, मतलब थैंक यू, आपने तरहीब दी इसको पढ़ने की, क्योंकि किस्से वाकई हमारी जहन याददाश्तों से ओझल होते जा रहे हैं। और मैंने फर्स्ट टाइम ये पढ़ा, मैं इसे बहुत इंजॉय किया। तो इसे पढ़ के मेरे जहन में एक वो पंजाबी में हमारे कहा जाता है कि गल कहती है मैनू मुँहों कट मैं तेनू शहरों कड़ा, वो वाला हिसाब हुआ इसमें। कुछ चीज़ें हैं जो एलिमेंट्स हैं, स्पेशली जो लैंग्वेज यूज़ हुई है इसमें उर्दू की, वो जिसे ओल्ड डिक्शन कहा जाता है, और लिखने का स्टाइल भी जैसे नहीं हो रहे हैं जो है उसमें, वो नून जो है वो साथ मिलाया हुआ है, और हे को बाज़ जगह बड़ी ए के बजाय छोटी ए के साथ लिखा हुआ है। कुछ इस पर अगर आप बताएं, और थोड़ा सा ना कुटनी का जो कैरेक्टर है या कुटनी का जो फीचर है उसको थोड़ा एलेबोरेट करें, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था मैंने कुटनी का कैरेक्टर पढ़ा हो, तो इट विल बी आई विल बी ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच। नहीं, मोस्ट वेलकम। तो कुटनी का एक मुझे कुछ अर्सा पहले मैंने सोचा कि कुटनियों के ऊपर एक बाकायदा मजमून लिखा जाए, क्योंकि किस्से में जो कुटनियों का रोल है दास्तान मीर हमजा में, तिलिस्म और शुबा में, कुटनिये सात कुटनिये हैं और उनको अफरासियाब शहनशाह तिलिस्म जो है वो बुलाता है कि भाई अय्यारों का कुछ करो और अमीर हमजा की फौज का कुछ करो, और वो अपना बयान करती हैं कि हम ये कर लेंगे। और वो जिस तरह से अपने, जिस तरह कोई खूबी अपनी बयान कर रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, उनका जो बयान है अपना, वो बहुत ही एक मिरेकुलस किस्म का है कि हम आसमान, वो तो खैर मुबालगा भी है कि भाई आसमान से हम थारे तोड़ के ले आएंगे, लेकिन उनके जो एम्बिशंस हैं या उनकी जो पावर्स वो अपने डिस्क्राइब करें वो बहुत ही कमाल की हैं। तो कुटनी का एक रोल इंडियन सोसाइटी में रहा है, और पहले मैं समझता था कि ये एक लेटर 18 19 सेंचुरी का कोई वो ये किरदार है या जो कैटेगरी ऑफ पर्सन जो है कुटनी, लेकिन एक बहुत पुराना इंडियन वो है नैरेटिव, उसका मैं आपको अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं तो उसके अंदर या बन सकती हैं उसका, तो उसमें मैं उसका लिंक और उसका रेफरेंस भेज दूंगा। तो अब कुटनियों को आप दो तरीके से देख सकते हैं कि भाई ये एक औरत है जो बुरे काम कर रही है या बुरे काम को फैसिलिटेट कर रही है, या आप उसको एक बहुत ही अकम्प्लिश्ड और रिसोर्सफुल वुमन के तौर पे देख सकती हैं कि उसने ये किया और वो किया। अब इसमें जो कुटनी का रोल है वो एक रीजनेबल औरत है, वो वजीर को कह रही है कि देखो ये इन चक्करों के अंदर नहीं पड़ो, ये इसमें तुम्हारा नुकसान होगा, फिर वो उसको समझा रही है कि ये तुम्हारा काम नहीं होना, उसका पीछे छोड़ दो, लेकिन वो उसको उसकी बात नहीं मान रहा और मुसलसल तो उसको तो खैर पैसे चाहिए, तो वो अपना पैसे लेकर जो भी उसको काम दिया जा रहा है वो कर रही है, लेकिन उस औरत की जो एंटरप्राइजिंग, जो इतनी एंटरप्राइजिंग औरत है वो, कि किस तरीके से वो जाकर पहुंचती है, किस तरह से रूप धारती है उसकी माँ का, वजीर चारम की बीवी की माँ का, और उसको सारी चीजें जिस अय्यारी से वो ले जाकर और जिस जो ड्रामे उसमें घर में जाके करती है और वो चीजें हासिल करती है, वो बहुत ही एक रिमार्केबल और अकम्प्लिश्ड पर्सन है। लेकिन इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इट इज समथिंग विच आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर इन मोर डिटेल, और जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि इस पे मैं कुछ देख रहा हूँ रेफरेंसेस, और जो आएंगे मजीद आई विल बी हैप्पी टू शेयर विद यू। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर हम ये पूछें कि जो ये किस्से हैं कितनी किस्म के में उसमें आप हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जैसे आपने कहा कि अभी एडवाइस वाले किस्से हैं, अगर उसमें तरफ देखेंगे हम तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे, कोई मजहबी किस्से हैं और फिर सूफी किस्से हैं, अहलाकी किस्से हैं, सेल्फ मोटिवेशन के किस्से हैं,
इसको आप जनरली तौर पे जो पुराने किस्से हैं उनको कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं, और जो ये किस्सा जिसका आप बयान फरमा रहे हैं उनकी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में भी थोड़ी सी हमें पता लग जाए कि किस्सा लिखने वाले की बैकग्राउंड क्या है। शुक्रिया। जी, जैसा मैंने अर्ज किया कि ये किस्से कई उसमें जिस तरह मैं कोई किताब उठाता हूँ उसमें कोई और उसकी निकल आती है, कोई ऐसा पहलू जो उसको एक किसी यूनिक कैटेगरी में प्लेस कर देता है, लेकिन जनरल कैटेगरीज वही हैं जो मैंने आपसे पहले शेयर की। उसमें अक्सर जो है वो कहानियों की सूरत में है, और ये वो कहानी है जो मुख्तलिफ अदवार की हैं, मुख्तलिफ रीजन से हैं, ईरान से भी हैं, दुनिया अरब से भी हैं, यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान ये बड़े बड़े सगीर का जो खत्ता है यहाँ के भी हैं। और जैसा आपने ये देखा कि बिल्कुल लोकलाइज्ड कोई एलिमेंट होता है उसको ले जाकर उससे कोई किस्सा बना दिया जाता है, जिस तरह राजा रसालू का हमने देखा। तो यह है। अच्छा, फिर अमीरुद्दीन मानी साहब जो थे उनकी कुछ जो पर्सनल मालूमात हैं वो उसका मैं स्कैन आपको आपके साथ शेयर कर लूंगा। उसमें ये साहब जो थे ये गुमनाम शायर थे, और कुछ इनके अशआर इसमें मिल जाते हैं मोहम्मद अमीरुद्दीन मानी साहब के जो किस्से में उन्होंने लिखे हैं। और एक इनके बात ये एक इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि फने बांक जो था, जो कि एक तरह का मार्शल आर्ट है, उसमें उसके माहिर थे और अपनी उस्तादी का उन्होंने इसमें जिक्र किया है। तो रफाकत अली शाही साहब का ख्याल है कि हो सकता है इनका असल जरिया माश फने बांक सिखाना ही हो लोगों को। तो ये एक इनके बारे में इंटरेस्टिंग एक वो है आस्पेक्ट इनके लाइफ का, शायद आपके लिए इंटरेस्ट। जी, मैं ये भी चाहूंगा कि जो आने वाली नशिस्तें हैं उनके बारे में भी आप कुछ हमें बताएं कि उसके आगे के लिए क्या पढ़ने वालों को कोई किताब पहले से पढ़नी चाहिए, या आप कोई एडवाइस करेंगे कि कौन सी किताब पढ़ ली जाए इस नशिस्त अगली आने वाली नशिस्त से पहले, और इसको किस तरीके से पढ़ा जाए ताकि ये नशिस्तें ज्यादा फ्रूटफुल हो सके। हाँ, अगर आप ये किस्से हासिल करना चाहें तो ये urduclassics.com की वेबसाइट है। आप urduclassics.com लिखिए और आपके पास ये जो 6 किस्से उर्दू के हैं बमा उनके तराजिम के, वो उसके आपके सामने आ जाएंगे और आप उनको वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप का यहाँ पर आने जाना होता है हसनीस का, तो तैमूर साहब की लाइब्रेरी में इन किताबों की एक एक कॉपी मौजूद है, आप वहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है अगर आप उसको कहानी को आपने पढ़ी भी हो तो वो एक ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, लोग अपने भी उसमें कमेंट्स उसमें कर सकते हैं। आगे जो किस्से आ रहे हैं उसमें किस्सा सिपाहीजादा जो मैंने आपको बताया था एक मजाही किस्सा शुरू में, किस्सा छबीली भटियारी ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग दर्दनाक सा किस्सा है, किस्सा शहजादी फरखंदा का, किस्सा आजर शाह और समन रुख बानो, और किस्सा एक अय्यारा का। जो आपने हुदा साहिबा ने पूछा था कुटनी का रोल, तो एक इसमें अय्यारा है, और ये किस्सा जो है इसका इसका ताल्लुक दुनिया अरब से सीरिया के आसपास का एक किस्सा है ये। और ये वो किरदार है जिसको आप समझ सकती हैं कि भाई ये कुटनी में जो सलाहियतें होती हैं ये उसके अंदर इन खातून के अंदर भी वो सलाहियतें हैं। तो ये जी मरियम, आपका कोई सवाल है? जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, थैंक यू फॉर टुडे। मुझे एक बहुत मुझे दिलचस्पी है फेट के कॉन्सेप्ट में, जिस तरह ये किस्से और दास्तान में बयान किया जाता है, और इस किस्से में भी एक जगह जिधर जब
पता चलता है वजीर की बेगम को कि ये इस तरह किया है कुटनी ने उनके साथ, तो वो कहती हैं कि कुटनी को मैं क्यों कसूरवार ठहराऊं, ये तो फेटेड था और हो गया जो होना था, बट एट द सेम टाइम शी देन टेक्स थिंग्स इन अ हैंड एंड डज समथिंग थ्रू फ्री विल. इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो वो जो है एडवाइस लिटरेचर का जहां तक ताल्लुक है, उसमें जब कहा गया है कि आप ऐसी हरकत ना करें ये मुनासिब नहीं है, तो इंटरनल इनकंसिस्टेंसी जिसे हम कहते हैं कि टाइम प्लेस एंड एक्शन की, वो इन किस्सों में उस तरह नहीं है या दास्तान और किस्से में वैसे नहीं होती जिस तरह हम उसको वैसे अदब में पढ़ते आए हैं. तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि एडवाइस एक तरफ एडवाइस है कि आप ये ना करें, लेकिन वो भी फेट का हिस्सा हो सकता है कि उनको उन्होंने ऐसा बोला और फिर ये हुआ. तो ये जो इंटरनल एक इनकंसिस्टेंसी होती है किस्सों में, इनके बारे में कुछ अगर आप कह दें तो अच्छा होगा. थैंक यू. हाँ, तो जिस तरह थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन मरियम. देखिए, जो फ्री विल का कॉन्सेप्ट है वो तो इंसान की एक खास एक वस्फ है कि जिसकी बुनियाद पर हम बाकी इंसान जो है, फरिश्तों के पास फ्री विल नहीं है, इंसान के पास फ्री विल है और उसको एक्सरसाइज करके आप अपनी बुरे भले की तमीज़ करते हैं, आप अपना जो भी आपके अमाल है उस पर जज किए जाते हैं कि भाई आपने उसको बुरा भला समझ के आपने जो भी किया. तो वो एक वो उतना ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जितना फेट. तो अब फेट के अंदर आप कुछ लिखा हुआ है कि भाई ये आपके साथ हो गया, तो अब वो जो कह रही है कि भाई मैं इसको क्यों कसूरवार ठहराऊं, ये मेरी अपनी किस्मत ही ऐसी थी. तो वो उस वक्त कह रही है कि जो किस्मत का लिखा हुआ था वो तो पेश आया, लेकिन अब उसका एज अ पर्सन और उसकी हालांकि वो जाकर ये सारा काम अपने तौर पे करती है, उसके शौहर तो उसको समझ यही समझ रहा है कि ये कसूरवार है, लेकिन वो अपना ना सिर्फ अपना एक नाम क्लियर करना चाह रही है बल्कि अपने शौहर का भी, शौहर को भी कि भाई ये शख्स इसने जो मेरे बारे में बात कही वो गलत नहीं थी. तो ये दोनों चीज़ें वो एक ही उससे अचीव हो रही है. ये मुझे उसमें इसमें कहती है वो आखिर में जाकर कि वो कहती है कि अल्लाह हुजूर को साथ इस अदल इंसाफ के सलामत रखे, इस आजा ने करार वाकई अपनी दाद पाई, यानी जस्टिस उसको मिल गया और ये उसके वो आखिरी अल्फाज हैं. तो वो शुरू में जब वो बादशाह के सामने जाती है तो वो ये कहती है कि मेरे कुछ ड्यूज हैं जो पहले वजीर पर हैं, वो आप मुझे दिलवाइए, लेकिन असल में दैट्स पार्ट ऑफ हर इंट्रैपमेंट कि उसको पकड़ा जाए, वजीर को उस पर काबू किया जाए कि उस खुद उसके अल्फाज में उसको रिफ्यूट करने पे मजबूर किया जाए. तो आप इसको इस तरह देख सकती हैं कि फेट ने तो उसके साथ किया, लेकिन उसकी एक बहसियत इंसान अपनी जिम्मेदारी है कि मैं अपने अपना नाम अपनी सफाई पेश करूँ या अपने शौहर की सफाई पेश करूँ जो कि मुझे अभी तक शुरुआत समझ रहा है, और शायद ये उसका एक मकसद हो, लेकिन जाहिर बात है इसको हम कोई हतमी तौर पे कोई चीज नहीं कह सकते. बट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जैसा आपने कहा. तो चलिए, अगर कोई और मजीद क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और बहुत शुक्रिया आप शामिल हुए इस गुफ्तगू में, और अगले हफ्ते हम एक और किस्सा उसको मैं थोड़ी देर में एक आध दिन में अनाउंस कर दूंगा कौन सा हमने सेलेक्ट किया. और मरियम ज़िया जिन्होंने आपसे सवाल पूछा ये हमारे साथ होंगी, किस्सा एक अयारा का जिसके अभी मैंने डिस्कस किया था, उस पर मरियम भी बात करेंगी, हमारी गेस्ट स्पीकर होंगी और आप इनसे फिर मजीद सुन सकते होंगे उनके व्यूज किस्सों के बारे में.